पृथ्वी पर जब तक इंसान रहता है तो उसे काम तो करना पड़ता है, पर इंसान भी काम करते करते थक जाता है। पर एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन उसे काम करने से छुट्टी मिलती है, उस दिन की राह वो देखते रहता है। वो दिन है रविवार, यानी कि संडे। पूरी सप्ताह वीक काम करते करते इंसान सिर्फ रविवार की राह देखता है, कब रविवार आए और वो फैमिली के साथ छुट्टी बिता सके। आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों मिलती है? चलिए दोस्तों, आप और हम इस बारे में रिसर्च करते हैं। स्टार्ट करते हैं, आखिर संडे को ही छुट्टी क्यों मिलती है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। ये बात है उस समय की कि जब भारत में ब्रिटिश शासन किया करते थे, तब लेबर वर्क यानी कि मजदूरों को सातों दिन काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो पूरे थक जाते थे। पर वही ब्रिटिश अधिकारी हर संडे को चर्च जाकर प्रार्थना करते थे, पर मजदूरों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर बात है 1857 से 26 साल बाद, यानी कि उस टाइम पर मजदूरों के नेता श्री मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में अपनी आवाज बुलंद की और उन्होंने मजदूरों के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया। छुट्टी के लिए उन्होंने तर्क दिया कि हर हिंदुस्तानी सप्ताह में 6 दिन अपने मालिक और अपने परिवार के लिए काम करता है, पर उसे सप्ताह में एक दिन अपने समाज और अपने देश सेवा के लिए भी देना चाहिए, उससे वो अपने समाज और देश के कर्तव्य निभा सके। उसी संघर्ष के बाद 7 साल बीत जाने के बाद 10 जून 1890 के दिन ब्रिटिश अधिकारियों ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। आखिर ये वही दिन है कि जिस दिन इंसान को पूरे सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी मिलती है। ये सब होने के कुछ साल पहले यानी कि 1844 में गवर्नर जनरल ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए रविवार के लिए छुट्टी का ऐलान किया। उसकी वजह ये थी कि बच्चे उस दिन रचनात्मक कार्य करें और अपना मनचाहा कार्य करें, यानी कि वो खुद को आगे बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि सैटरडे को हाफ डे क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि रविवार को लेकर आपके जो भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए होंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो में।